इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना फ़ोन पे से अपना बैंक अकाउंट को डिलीट या फिर रिमूव या अनलिंक कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा पहले का जो फ़ोन पे का इंटरफेस था और अभी का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अगर अभी आप जो कि अपना फ़ोन पे से अपना बैंक अकाउंट को लिंक या फिर अनलिंक या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, फ़ोन पे को आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल का जो लोगो या फिर यहाँ पर जो पिक्चर है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितना भी बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो कि एक ही यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक का। और अगर जो भी आपका यहाँ पे अलग अलग बैंक होगा यही बगल में आपको शो करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं बैंक के ऊपर में, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सारा जो है कि यहाँ पर आपका बैंक का डिटेल आ चुका है। आप नीचे स्लाइड करेंगे और स्लाइड करने के बाद देखेंगे नीचे में आपको रेड कलर में आपको मिलेगा अनलिंक बैंक अकाउंट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा क्या आप कंफर्म जो कि अपना बैंक अकाउंट को लिंक अनलिंक करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अनलिंक के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अनलिंक के ऊपर में, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका जो फ़ोन पे से रिमूव हो जाएगा, यानी कि आपका जो फ़ोन आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ़ोन पे से आपका जो कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आप फिर से जो कि अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं या किसी भी डिफरेंट बैंक अकाउंट को, तो आपको क्या करना है, फिर से वही सेम प्रोसेस, आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपना जो कि यहाँ से अपना बैंक अकाउंट को सर्च करके आप यहाँ से बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं।